चचा हैं, ये बासफोर हैं और हरिजन में ये आते हैं आते और ये बड़ी मेहनत से ये जो है वो डाली और दौरी ये लोग बनाते हैं। चचा एक दिन में कितने सामान दिया? दो डाली होता है बस। दो डाली बस, वो सब है कि नहीं तो बाल बच्चे मिल कर भी है कि नहीं तो बनाया जाता है। अब वो भी है कि नहीं तो शाम को बेचा जाएगा तभी है कि नहीं तो भोजन बन सकता है, नहीं बिका तो उपवास किया जाता है। अच्छा, मतलब भूखे पेट रहते हैं। हाँ, ना खेती है ना गृहस्थी है, कुछ हम लोग के बस यही है। एक डाली कितने का बेचते हैं? एक डाली बहुत बिकता है कि नहीं तो 100 रुपये का, 90 रुपये का यही बिकता है। और दो डाली बना ही पाते हैं, पूरा परिवार लगा रहता है। एक परिवार देखिए, औरत लोग ये भी बीने गए ये, और देखिए हम हाई है कि नहीं ये भी चीर रहे हैं। जी जी जी, तो इससे क्या होता है? ये भी बीच में तोड़ा जाता है इसको, दौरी के बीच में। अच्छा, ये सब अभी चलन में है क्या? ये तो चलन इसका खत्म हो गया, नहीं, सब स्टील की आ रही है। तो हाँ, तो स्टील की आ रही है कि तो इसी के लिए ना हम लोग का रोजगार है कि नहीं तो भग गया है। तो कुछ सरकार से मांग करिए कि कुछ आप लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे। मांग किया जाए, आज 3 साल से है कि नहीं तो देखिए सबका है कि नहीं तो आवास आ गया। जी जी, आज 3 साल से हम लोग भरे हैं, बाकी कोई है कि नहीं तो झांक नहीं रहा है कि उसको आवास चाहिए कि नहीं चाहिए। जाकर हरिजन बस्ती में देखिए सबको आवास बन बन के 2 बिल्डिंग हो गया है, हम लोग के वो भी नहीं है। तो बिचौलिया से आप संपर्क कर लिए थे क्या? सबसे किया जाता है तो क्या किया, बिचौलियों से मत कीजिए, डायरेक्ट दफ्तर में जाइए। डायरेक्ट भी कई हला भी है कि नहीं तो पहचान पत्र ले जाकर दिखाया गया है। हाँ, ऐसा बात नहीं है। हालांकि आपके बगल में ही आवास बना है। हाँ, चमरौटी में, चमरौटी में सब आवास है, सब आवास बना है। जाकर देख लीजिए कि घर बना है कि जल्दी उसमें पहुंच नहीं पाओगे, भुला जाओगे। हाँ, बरसात वरसात में कैसे रहते हैं आप लोग? अरे झोपड़ी में रहते हैं, घर में रहते हैं, क्या किया जाए। देखिए आप लोग जो है वो शहर से हैं और ये लोग बेचारे हर रोज कुआं खोद कर पानी पीते हैं। अब इनका दर्द हमने सुना, अब आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद चचा। धन्यवाद, धन्यवाद बाबू, खूब आनंद रहा लो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।